लड़की जो एक रहस्यमय कमरे में फंस जाती है और उससे बाहर निकलने के लिए लड़की के पास सिर्फ 15 मिनट का समय है। कहानी की शुरुआत में एक टाउन को दिखाया जाता है जिसके कई पेड़ों पर लड़कियों के गुमशुदा होने के पोस्टर्स लगे थे। नेक्स्ट सीन में नेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बंद कमरे के अंदर होती है और नेल को कोई अंदाजा नहीं था कि वह उस कमरे में कैसे आई। उस कमरे में एक कीड़ा, एक घड़ी, एक स्पीकर और एक दीवार पर 9 डिजिट लिखा हुआ था। नेल दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करती है लेकिन वह खुलता नहीं। नेल देखती है कि छत पर एक जगह पर कांच लगा हुआ था तो वह कूदकर उस कांच तक पहुंचने की काफी कोशिश करती है लेकिन वह पहुंच नहीं पाती। अचानक से उस कमरे में एक अलार्म बजने लगता है और पूरे कमरे में हरे रंग की रोशनी फैल जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद वह रोशनी बंद हो जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। जैसे उस कमरे की घड़ी पर 15 मिनट का टाइम पूरा होता है तो कमरे की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और नेल को बाहर से कई सारे दरवाजे और खिड़कियां खोलने की आवाजें आने लगती हैं। जब फिर से लाइट ऑन होती है तो नेल देखती है कि अब दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। वह भागकर बाहर जाती है तो दरवाजे के सामने एक और दीवार बनी हुई थी।